छिंदवाड़ा शहर के छोटा तालाब स्थित सुभाष पार्क के गेट पर रविवार शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है यहां गुब्बारे भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया जिससे दो लोगों की मौत हो गई वहीं एक बच्चा समेत तीन अन्य घायल हुए है धमाका इतना जोरदार था कि गुब्बारे में सिलेंडर से गैस भर रहे बुजुर्ग के शरीर के चिथरे उड़ गए शरीर कई हिस्सों में पड़ गया रास्ते से गुजर रहे पति पत्नी और बच्चा भी बुरी तरह चपेट में आ गए जिसमे पति की जिला अस्पताल पहुँचने तक मौत हो गयी पत्नी बच्चा व एक अन्य युवक गंभीर रूप ऐसी घायल हुआ है जिनका इलाज अभी जारी है एस पी संजीव उइके ने बताया कि सुभाष पार छोटे तालाब के सामने रविवार शाम लगभग पौने छह बजे गुब्बारा फुलाने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था धमाके में गुब्बारे में गैस पर रहे पुराना पावर हाउस सत्तर वर्षीय शेख इब्राहिम की मौके पर मौत हो गई। यहाँ से गुजर रहे रेलवे कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद ताजुद्दीन अंसारी उनके पत्नी सबा अंसारी 9 वर्षीय बच्चा बिजमुल नबी के अलावा सुखलुढाना निवासी 35 वर्षीय सुरेश यादव को गंभीर चोटें आई है घायलों को जिला अस्पताल लाया गया रास्ते में ताजुद्दीन अंसारी की मौत हो गयी वही उसकी पत्नी और बच्चे को नागपुर रेफर किया गया एक घायल जिला अस्पताल में भर्ती है हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर भेजा जिसमें स्थिति को नियंत्रित करने के साथ ही एम्बुलेंस ऐसी तत्काल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया सिलेंडर में कौन सी गैस भरी गयी थी और ब्लास्ट के क्या कारण है टीम इसकी जाँच करी है मेसिंद न्यूज के लिए छिंदवाड़ा ऐसी गजानन बोरकर की रिपोर्ट